सर, सी, जब भी हम लोग हैमर को देखते हैं, हैमर ऑलवेज यूज व्हेन वी टेक द सपोर्ट, सपोर्ट पे इस्तेमाल किया जाता है। और जब हैमर का इस्तेमाल करते थे, तो अब देखेंगे हैमर को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, प्रेशर लाते हैं, और फिर वो प्रेशर से हम लोग नीचे की तरफ उसका इस्तेमाल। तो यहाँ पे अगर आप हैमर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर प्राइस यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ है, 100 से प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज करेक्शन। ठीक है, और उसके बाद प्राइस 90 से लेके 105 तक जा रही है, क्या कर रही है प्राइस वहां पे, पुल मतलब बैक यहाँ पे कौन आया फिर पुल बैक में, बाहर से है ना सर। फुलबैक में बायर्स है। फिर समझने वाली बात है कि फिर अगर बायर्स आ रहा है इसमें, दैट मींस द ट्रेंड इज गोइंग टू बी बुलिश, अपवर्ड अपवर्ड बुलिश हो गए यहाँ पे। तो ये हैमर का इस्तेमाल, हैमर यूज सिंस हैमर यूज एट बॉटम विथ सम पावर, सो इट फॉर्म्स एट LBS एंड ट्रेंड गोज बुलिश फ्रॉम हियर। अभी इसको हम सेंटीमेंट में अप्लाई करेंगे, सेंटीमेंट में हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। ये लिख लो आप, अगर ये लिख लिया है तो हम लोग सेंटीमेंट अप्लाई करेंगे। सेंटीमेंट मतलब वही जो ओपन वाला लाइन लिखा था ना हम लोगों ने, ओपन का एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था हमने, इसका इस्तेमाल करने वाले। ये हो गया लिखकर आपका, सिंस हैमर यूज एट बॉटम विद सम पावर सो इट फॉर्म्स एट एलबीएस एंड ट्रेन गोज बुलिश फ्रॉम हियर, हैमर। और ये इसका चार्ट है, प्राइस है, पहले आएगा प्राइस में करेक्शन फ्रॉम 100 to 90। करेक्शन आने के बाद यहां से बायर्स आएंगे और प्राइस को पुल बैक करके 106 से लेके 105 तक क्लोज करेंगे। दैट मींस यहाँ पे पुल बैक आया है, पुल बैक किसने लाया है प्राइस में, बायर बायर सी लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखना है लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट इफ हैमर अकर्स एट बॉटम, इफ हैमर अकर्स एट बॉटम then अच्छा price will be going upward। अभी गेस करो, मैं कुछ बताने वाला हूं, price will be going upward for at least 10% क्यों? अगर हैमर किसी पैटर्न में फॉर्म होता है, देन प्राइस में गो एटलीस्ट 10% फ्रॉम द बॉटम टू द नेक्स्ट 10%। अगर प्राइस का बॉटम, यहाँ पे कितना है बॉटम इसका, 90, 90 का 10% कितना हो गया, तो 99 प्राइस एटलीस्ट 99 रुपीज तक जाएगा, ये तो क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कितना है, तो 5 इसमें 10 रुपीज 5 पैसे 50 पैसे ऐड करो तो प्राइस कितना जाएगा, एटलीस्ट हंड्रेड एंड कैसा था समझा? हंड्रेड एंड आवाज नहीं आ रही। सर, हेलो ये समझ में आ रहा है। सर, आपका आवाज नहीं है। हेलो हाँ, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है।
हाँ सर बोलिए ना, क्या हुआ? आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। ओके, ये मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने वाला, आप लोग पहले लिख लो। हम लोग लिख पैटर्न लिया। पे ही, चार्ट पे ही ये सब देखने वाले हैं, कुछ छूटने वाला नहीं है। और एक कैंडल बाकी है, क्योंकि हम लोग सारे कैंडल्स एक साथ देखेंगे। उसके बाद आप लोग चार्ट के ऊपर जो सवाल पूछने पूछो। तो हैमर, व्हेन यू सी हैमर एट बॉटम सी डाउन ट्रेंड में हैमर अगर हो रहा है, देन वी कैन काउंट 10% ऑफ दी प्राइस, एटलीस्ट प्राइस 10% तो ऊपर जाएगा, और एटलीस्ट प्राइस 10% जाएगा, या फिर मिनिमम 7%, मिनिमम 7% प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड हमें मिलेगा। तो 7% क्या बोला आपने? हाँ मिनिमम 7% अगर ट्रेंड सपोज बेरिश है और उसमें पुल बैक आने वाला है। मैंने कल दिखाया था आप लोग को चार्ट, बेरिश वाला चार्ट, कल बेरिश वाला चार्ट देखा था सपोर्ट में। प्राइस में एक सपोर्ट, प्राइस में एक आना था सपोर्ट, कल दिखाया था। तो अगर उस जगह पे हैमर फॉर्म होता है तो प्राइस विल पुल बैक, विल गिव पुल बैक फॉर नेक्स्ट 10% और 7% एंड ट्रेंड विल कंटिन्यू। अगर बेरिश अच्छा ट्रेंड है, अगर बेरिश ट्रेंड है और उसमें हैमर आ रहा है तो एटलीस्ट 7% करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेंड अपवर्ड है, नीचे बॉटम फॉर्मेशन में कौन हुआ है, हैमर हुआ है, सो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 10% इन द, पहले तो 7% हो तो बेरिश ट्रेंड मिल रहा है। अगर ट्रेंड बुलिश है, अपवर्ड अपवर्ड जा रही है प्राइस, और उसमें अगर बुलिश मिल रहा है दूसरे या तीसरे बॉटम पे, दूसरे बॉटम पे मिनिमम तो दूसरे बॉटम पे, सो वी कैन गेट एटलीस्ट 10% फ्रॉम द प्राइस, हम लोग काउंट कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये समझ में आप लोग को। अभी इसमें एक लाइन आपको लिखना है, हैमर विथ ब्लैक और व्हाइट बॉडी दैट डजंट मैटर, तो हैमर के आगे ही लिखना है। हैमर जहां पे आप लोग ने लिखा निकाला है ना, ये हैमर जहां पे आप लोगों ने हैमर निकाला है वहां पे ही आपको लिखना हैमर विद अ ब्लैक बॉडी और व्हाइट बॉडी, कलर डजंट मैटर, कलर कोई मैटर नहीं करेगा, सिर्फ मैटर करेगा वो है उसका पुलबैक, पुलबैक उसका मैटर करेगा, ठीक है। ये समझ में है? गोल्ड में 10% पर ढूंढना, या तो फिर मेरे को पकड़ने के लिए आएगा। गोल्ड में 10% मतलब 50,000 और देखिए होगी 5,000, लड़के बोलेगा सर गोल्ड 5,000 55,000 होने वाला है। गोल्ड मत ना छोड़ोगे सर, गोल्ड मत कभी तो नहीं आता, आइडेंटिफाई कर दो तो प्राइस ऊपर तो हो सकते हैं, क्या अपना आइडेंटिफाई करना। ये समझ में आ रहा आप लोगों को? सो हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न, ये लिखना है आपको, हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न If it is occurs at LBS, bullish reversal को underline करना है आपको। जो हुआ है, see अभी एक लाइन आपके लिए आ रहा है, वो है एवरी एक्शन हैज अ, को पता रहेगा इक्वल परफेक्ट। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये हैमर बॉटम पे फॉर्म हो रहा है तो सेम कैंडल टॉप पे भी फॉर्म हो सकता है क्या? बस तो ये लाइन मैंने आपको बताया है, तो आप लोग यस और नो बोल सकते हैं। यस सर। एवरी एक्शन है जो ऑपोजिट रिएक्शन, तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन हो सकता है।
टॉजी बॉटम में हो सकता है टॉप पे भी होगा, स्पिन टॉप अगर बॉटम पे हो रहा है तो टॉप पे भी होगा, तो सेम विद द हैमर, इफ द हैमर इज अकरिंग एट द बॉटम देन वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 10% 10% अपसाइड इन द प्राइस एंड सेम विद द एचआरडी। बेरिश रिवर्सल, अभी बेरिश रिवर्सल हैमर है जो है, हैमर के आगे लिखो एलबीएस, लो बॉटम सपोर्ट लिखो, क्यों पता है, क्योंकि हैमर लो बॉटम सपोर्ट पे होगा तो हैमर दिखेगा, अगर सेम कैंडल एचआरडी पे होगा तो उसको कुछ कहा जाएगा, उसका नाम आपको मैं देने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में जो कैंडल बॉटम में होता है उसका ऑपोजिट रिएक्शन का कैंडल टॉप पे भी होगा, तो जो हम लोग उल्टा है वो बोल रहा हूँ 60 कैंडल्स है तो उसमें सपोज ऐसा समझो कि 30 कैंडल्स बुलिश है, 30 कैंडल्स बेरिश है, मैं जस्ट ऑपोजिट। आया समझ में, मजा आ रहा है, यस सर, अभी मजा नहीं, अभी तक नहीं आया मजा, जब तक पूरा मार्केट नहीं देखोगे, मार्केट घूमोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। वो बात तो है। क्या उल्टा हैमर बोलेंगे सर इसको? नहीं अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ओपन हाई लो एंड क्लोज, अभी मजा लेने में मजा और अलग मजा होता है। ये सेम ही प्राइस लग रहा है क्या, प्राइस सेम है क्या, तो सेम ही प्राइस है, उल्टा है। अच्छा इधर उल्टा है, देखो ना, उल्टा है ना, इधर उल्टा है, 100 196 नहीं, सेम ही, सेम ही, सॉरी। मैं लिख रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पेज खोल के अभी तक, तो देखो। उसका नाम मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, कैंडल कैसे बनेगा, पहले कैंडल तो बना लेते, ऊपर कितने में बना है, 100 105, ऊपर 106, ये है 90, उसे लो कहेंगे, ये है ओपन जो 100 पे है, ये है 105 पे क्लोज, ये ओपन है 100 पे, 106 पे हाई प्राइस है, एल ओ 100 ओपन क्लोज हाई, इसके आगे भी लिख दो, क्या लिखेंगे इसमें, कैंडल विद अ ब्लैक और व्हाइट बॉडी, कलर डजंट मैटर, इसका लोकेशन क्या होगा फिर, ऑपोजिट पता है ना मैंने, हैमर का ऑपोजिट अगर टॉप पे हो रहा है तो ये एचआरपी पे होगा, मगर इसका नाम गलत है, हैमर नहीं होगा ऊपर की तरफ, हैमर ऊपर नहीं होगा, हैमर ऊपर छोटा हैमर हो सकता है, मगर उसे हम लोग हैमर ही कह सकेंगे थोड़ा ऊपर, मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला, और कैंडल का नाम है
रावस इतने बढ़ते हैं। तुम बोलते हो तो कौन सी औरतें आवाज इतना प्रेम हो गया वहां पे। ओके हाँ सर बोलिए ना। जी, हैमर बॉटम पे हुआ है, सेम कैंडल ऊपर दिख रहा है, तो ये ऊपर दिखेगा तो ऊपर हैमर नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये देखो प्राइस ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, यहाँ पे हुआ तो हम इसे कहेंगे हैमर, अगर ये ऊपर हुआ तो इसे कहेंगे हैंगमैन। ऊपर होगा हैंगमैन, नीचे होगा हैमर। सर मुझे क्या लगा पता है कि ये जो हैमर है ना उल्टा फॉर्म होगा, मतलब वो उसका जो वात है ऊपर हो बड़ा जाएगा, बना। मैं दोनों को उल्टा करने वाला हूं उसके बाद, मगर मेरा तरीका अच्छा ऐसे कि जो कैंडल दोनों रिएक्शन देता है, बॉटम पे भी है टॉप पे भी है, तो वो हम साथ में सीखेंगे, और उसके बाद आप जो बोल रहे अच्छा हो आने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अच्छा वो भी होने वाला है। अच्छा ओ अगर हैमर देखा है ना हमने पहले, तो हैमर का सेम विद लोकेशन भाई सेम। आपको मैं अभी एक अलग बात बताता हूँ, सभी को ऐसा लगता है कि मेरे जैसे दिखने वाले या अपने आप जैसे दिखने वाले दुनिया में कितने लोग हैं? सात सात। सभी को पता है, मुझे भी पता है, सात लोग। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे जैसा दिखने वाला बंदा यूपी में भी दिखेगा, मैं भैया जैसा दिखता हूँ, बरबर ना, भैया सर का वर्तन नहीं है ना, तो भैया अगर मैं, भैया अगर मैं भोजपुरी बोलना शुरू कर दूंगा तो पूरे कहे अरे तुम भैया होगा, ऑलरेडी मतलब गुप्ता से बोलता था, मतलब ऑलरेडी गुप्ता बोलता था। सर माला को ने फोन किया कि सर प्रशांत गुप्ता बोल रहे, रॉन्ग नंबर, फोन नंबर, माय लोकेशन इज मुंबई एंड यू आर सेंडिंग मी विदाउट टिकट टू द यूपी, दैट इज रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर हो गया ना। मगर सेम दिखते हैं ना, मगर लोकेशन अलग है, लोकेशन अलग है, तो उसको हम लोग प्रशांत गुप्ता नहीं कहेंगे, यूपी में होगा प्रशांत गुप्ता, मुंबई में होगा प्रशांत गुप्ते। और एक दूसरी बात गुप्ते बोलता हूँ, न्यू जर्सी में मेरे जैसे ही नाम वाला, इवन मेरे फादर के नाम जैसा सेम पर्सन न्यू जर्सी में रहता है, प्रशांत गुप्ते, वो भी न्यू जर्सी में रहता है। मैंने जब अपना नाम डाला प्रशांत गुप्ते यूट्यूब में, दैट पर्सन केम विद प्रशांत गुप्ते, और उसका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है जो अमेरिका से वीडियोस अपलोड करते हैं, तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिया। अच्छा आ समझ में? तो वैसे ही कैंडल स्टिक्स में सेम दिखने वाले लोग या कैंडल्स हो सकते हैं, मगर उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका एक ही है, दैट इज लोकेशन। आप ओला या उबेर करते हैं तब आप क्या कहते हैं, लोकेशन डालेंगे तब जाके लोकेशन पर पहुंचेंगे। ठीक है, लोकेशन गलत डालेंगे तो लोकेशन पे पहुंचेंगे आप, ओला वाले को आप गाली देंगे, उसको 0 स्टार देंगे, या तो फिर बहुत सारा गाली देंगे ओला वालों को फोन करके। ठीक है, जब डेस्टिनेशन पे आप गलत जा रहे हैं तो फिर आपका रास्ता गलत है कि नहीं है? है। तो वैसे ही कैंडल्स अगर लोकेशन चेंज होता है तो उसका नाम भी बदलता है। अगर मैं रहता हूँ संगवी गार्डन में, अगर मैं संगवी गार्डन डालता हूँ तो मैं जाता हूँ बेंगलोर में भी, तो संगवी गार्डन से आगे मैं डालूंगा डोंबिवली, तो डोंबिवली में आऊंगा। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ संगवी गार्डन टाइप करता हूँ तो मैं डोंबिवली से बेंगलोर भी जा सकता हूँ। तो वैसे ही कैंडल से अगर उसका लोकेशन बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाएगा। तो सेम दिखने वाला कैंडल अगर हैंगमैन है तो एचआरटी पे बनेगा, अगर सेम कैंडल बॉटम पे फॉर्म हो रहा है वो तो फिर हैमर होगा। आया समझ में? समझता है? कुछ हार्ड है? नहीं, अभी सांगे से बाकी है, सांगे से बाकी है। सी
when a person hang himself, वो फिर वो 5 फुट का भी रहेगा ना, तब जब वो लटक जाता है तब उसकी हाइट कम से कम 4 इंच बढ़ जाती है, ये पता है आप लोग को, क्योंकि नेक ब्रेक होता है और नेक ब्रेक होने के बाद उसका 2 इंच 1 से 1.5 इंच उसका गला ऊपर की तरफ आता है, नेक ब्रेक होता है ना उसका, वो ऊपर की तरफ जाता है, और जब वो लटकता है तब, और जब उसका डेथ हो जाता है तब उसके पैर नीचे की तरफ जाते हैं, वो ऐसा नहीं रहता है, फिल्मों में अलग दिखाते हैं, वो झूला झूल रहा है, पीछे से बांधा हुआ रहता है, और जब हैंग करते हैं तब उसका नेक ऊपर जाता है, उसके पैर जो स्ट्रेट नहीं होने चाहिए वो ऐसे हो जाते हैं, मींस उसका लोअर जो मैंने लो बाद में चेंज किया है वो यही बता रहा है कि उसका अभी डेथ हो गया, 2.8 सिर्फ एवरी, मैं जो कुछ सिखाता हूँ उसमें कुछ होता है अलग ही होता है, वो समझ में नहीं आएगा बाद में समझ में आएगा, तो जो आदमी हैंग करेगा उसका हाइट कम से कम 4 इंच से बढ़ेगा, तो वैसे ही हैंग हैमर जो होता है, हैमर हैमर का जो एक जो हैंडल होता है वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, मगर जो बंदा हैंगिंग करेगा अपने आप को हैंग करेगा उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो लॉन्गर वीक सजेस्ट, ये लॉन्गर वीक में क्या है, पहले तो क्या बनेगा इसमें करेक्शन और फिर बनेगा पुल बैक, तो इसमें मेरा एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए बात की, हैंगमैन में पहले करेक्शन आएगा फिर पुल बैक आएगा, क्यों आएगा, तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंटली अकर्ड कैंडल पैटर्न है, हैमर, यस, हैंगमैन और हैमर ये फ्रीक्वेंटली होते हैं, अगर चार्ट रीड करना शुरू करोगे तब मालूम पड़ेगा कि हैमर तो हैमर ही है भाई, बस दिख जाए तो मजा नहीं लगे, अच्छा मगर उसमें भी क्राइटेरिया है भाई, जो आप सोचते हो वैसा नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हैमर में दिखाने वाला आप लोगों को टाइप कम है, तो मैं ये बता रहा था कि हैमर में बॉटम पे बनेगा, हैंगमैन में अगर हैमर नीचे की तरफ हुआ तो उसमें पुल बैक हुआ है, और करेक्शन इसमें पहले करेक्शन है बाद में पुल बैक है, मगर ये तो टॉप पे हो रहा है तो यहाँ से प्राइस कहाँ जानी चाहिए, नीचे नीचे जानी चाहिए ना कि ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, हैंगमैन है सी, इसमें तो पुल बैक है ना, मगर अगर सेंटिमेंट रीड करते हो, अगर सेंटिमेंट रीड करते हो तो इसमें कौन ज्यादा है, इसमें पुल बैक है, बायर्स है, इसमें बायर्स है ना, इसमें बायर्स है, हैमर को और हैंगमैन को दोनों भी एक जैसे ही है, उसमें पुल बैक आता है, मगर वो पुल बैक आता है टू टेक द ट्रेड अपसाइड, और ये जो पुल बैक आता है ये पुल बैक नहीं बल्कि इसमें शॉर्ट सेलिंग है, इसमें शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और जिन जिन लोगों ने पुट लेके रखा है ना उनको ये क्या करेंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए लगाएंगे, अभी सोचो पहले तो मार्केट यहाँ पे था ओपन हुआ नीचे की तरफ गया और एवरीबॉडी वाज फीलिंग दैट कि अभी मार्केट गिरने वाला है या तो फिर प्राइस गिरने वाली है, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, जिन जिन लोगों ने पोजीशन बना के रखा है उन सब लोगों का पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए लगाएंगे, और उनका स्क्वायर ऑफ कर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद सभी को ऊपर लेके जाएंगे और फिर ऊपर से सेल करना शुरू करेंगे, ऊपर से सेल करना शुरू करेंगे, बाय नहीं करेंगे वहां पे, हाईएस्ट प्राइस तो प्राइस को क्या करेंगे, मतलब बताने के लिए अगर मैं बताऊं तो लेना तो नहीं है, लेना नहीं है, मगर क्या करेंगे एक आर्टिफिशियल बायर्स दिखाएंगे, आर्टिफिशियल बायर्स 100 का प्राइस पे बायर्स एट 105, तो फिर प्राइस क्या ऑटोमेटिकली जंप,
प्राइस जो है ऑटोमेटिकली जब होना शुरू करेगी। अरे बायस तो 105 पे करें, चलो बाय करते हैं, आर्टिफिशियल बाइंग उसके चल शुरू हो जाएगा। फिर 105 तक प्राइस जाने के बाद जो बायर है वो फिर आर्टिफिशियल बाइंग क्या करेगा, पोजीशंस कवर अप नहीं करेगा, वहां पे कैंसिल करेगा और प्राइस को और ऊपर की तरफ लेके जाएगा 106, चलो अभी और ऊपर। और फिर जब ये टाइम खत्म हो जाएगा कि ठीक है दिस इज द एरिया वेयर वी कैन प्लेस अवर सेलिंग ऑर्डर या शॉर्ट शेड्स शॉर्ट सेल आउट, तो वहां पे वो शॉर्ट सेल के लिए डाल देगा। और जब वहां पे एक पूरा, क्योंकि प्राइस को जो है वो प्राइस कभी भी ये नहीं होती है, मतलब आप सिर्फ सेल करते नहीं कर सकते, सिर्फ बाय नहीं कर सकते हो, उसका एक लिमिट होता है। और जब लिमिट उसका फुल हो जाएगा और प्राइस ज्यादा ऊपर जाना बंद कर देगी, फिर वहां से वो लोग और शॉर्ट सेलिंग करना शुरू करेंगे। इसमें पुल बैक जरूर है, मगर इसमें फेक पुल बैक है। इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रही है प्राइस में, शॉर्ट सेलिंग, या तो फिर उसको कह सकते हैं हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या कहेंगे इसको, लॉन्ग अनवाइंडिंग, सॉरी शॉर्ट अनवाइंडिंग, लॉन्ग में, लॉन्ग तो बॉटम में होगा, शॉर्ट अनवाइंडिंग। तो किसमें ये, इसी में शॉर्ट अनवाइंडिंग का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू किया था, करेक्शन करना शुरू किया, करेक्शन मतलब सेलिंग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बायर्स फिर से आएंगे और जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनको शॉर्ट पोजीशन जो है, क्योंकि जब लॉस होना शुरू हो जाएगा तभी वो लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। और वैसे ही जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाना शुरू करेंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, अपना प्राइस यहाँ से शुरू करेंगे, ये 100 है, 105 है, तो ये लोग शुरू करेंगे 107 से। तो हैंगमैन में क्या बनता है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस में शॉर्ट अनवाइंडिंग होती है। दोज हु फेल्ड दैट द प्राइस विल गो डाउन, उनका पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ करने के लिए लगाएंगे और दे विल ओपन देयर ओन पोजीशंस, वो लोग अपना पोजीशन ओपन करेंगे। सी इसके लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स हम लोग सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, क्योंकि ये जो सारा जो प्रेशर है ये हम लोग नहीं कर सकते। अगर किसी शॉप में 1 करोड़ या 2 करोड़ डाल के प्राइस को अगर फुल बैक लेना है, देन यू कैन कैश, वो आप लोग तो नहीं कर सकते, वो किसी से कोई करना पड़ेगा, या तो फिर मार्केट का बड़ा प्लेयर होगा वही ये करेगा, बड़ी मशीन, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ उसको देख सकते हैं और उसका चाल जो है वो हम लोग समझ सकते। हम लोग को टेक्निकल का मतलब क्या है कि तुम्हारी चाल हमारी एक्शन, चाल तो वो चलेंगे, एक्शन हम लोग देंगे। ये समझ में आया हैंगमैन? इफ इट इज अकर्स एट टॉप बेरिश रिवर्स, इफ इट इज अकर्स एट बॉटम सेम कैंडल बुलिश रिवर्स। तो बुलिश सब नीचे हुआ तो हैमर बोलेंगे, ऊपर हुआ तो हैंगमैन, हैंगमैन। ये समझ में आया? इसके सिर्फ दो ही नाम से आप समझ सकते हो कि इन हैमर बाइंग एंड इन हैंगमैन पुल बैक इज शॉर्ट अनवाइंडिंग। अनवाइंड मतलब जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है उनको स्क्वायर ऑफ लगाना, उनको स्क्वायर ऑफ करने के लिए मजबूर करना। और शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनको बाय करने के लिए लगाएंगे, क्या बोलेंगे भाई अरे छोड़ दो यार, प्राइस में पुल बैक आ रहा है, बायर्स आ रहे, पता नहीं कहाँ से बायर्स आ रहे, फिर गालियां देना शुरू करेंगे और फिर कल मालूम पड़ता है कि सारा स्टॉक नीचे गिर गया। क्योंकि मार्केट में ये फेक बिजनेस बहुत पुराना है, कोई नया बिजनेस नहीं है ये। आज जैसे मार्केट को खत्म, ये अगर ये आज का मार्केट आपको समझना है तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है इसके ऊपर, जो मैंने 1 साल पहले बनाया था कि जब गैप अप होगा तो क्या होगा। गैप अप के ऊपर मेरा ऑलरेडी 3 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाल के रखा हुआ है और वो मराठी में। आई एम सॉरी अगर किसी आपको समझ में नहीं आया तो ला पण समजत नसेल, वो तो कहीं कहीं माझी मराठी तो पूर्ण कळत नाही। अभी मैं अगर मराठी में बोलना शुरू करूँ तो फिर प्रेम बोलेगा सर मुझे समझ नहीं आ रहा। ये समझ में है आप लोग को? यस सर। लाइव मार्केट में देखेंगे अभी, मतलब लाइव मतलब ऑफलाइन मार्केट में देखेंगे आप लोग।
सी हैंगिंग मैन के आगे हमें लिखना है लोकेशन, हैंगमैन लोकेशन लिखना है। सी आगे जाके जो भी हम लोग कैंडलस्टिक लिखने वाले हर एक का हमें ऐसे लिखना है, और इसका ऑलरेडी मेरे पास एक पेज है हर कैंडल का लोकेशन और उसका आगे का प्राइस एक्शन लिखा हुआ है, मगर मैं पहले आपको लिख कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे पास जो मेरा बुक है। बुक मध्ये ऑलरेडी डिक्लेअर आहे ते सगळं, एक्सेल शीट आहे ती, एक्सेल शीट में ये सब ऑलरेडी मेंशन है कि आगे का प्राइस सेक्शन क्या होने वाला है। सी दिख रहा है आपको? सब ब्लर है थोड़ा, लेकिन समझ में आ रहा है, समझ गए। इसमें मैंने लिखा हुआ है, या भी आपको नोट्स जब मिलेंगे तो मालूम पड़ेगा। सीरियल नंबर है, नेम मतलब कैंडल नेम है, प्लेस प्लेस लोकेशन, ठीक है। एक्शन क्या है, मतलब बाय करना है कि सेल करना है, सेल करना है। हाँ, तो वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर वही मुझे कॉल पुट के लिए लिख कर दे दो, तो फिर मैंने कॉल एंड पुट के लिए लिख कर दिया हुआ है इसमें कि क्या लिखा हुआ है। मारू बोजो ठिकाने वाला टॉजी, टॉजी आगे लिखा है एचआरडी, एचआरडी के आगे मैंने क्या लिखा है मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक्शन है सेल, तो फिर सेल का एक्शन मतलब पुट, टॉजी बॉटम पे मतलब एलबीएस पे बाय कॉल, एक्शन बाय, तो कॉल कॉल रहेगा वो कॉल बाय रहेगा, ठीक है। ये ऐसा मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, आप लोग को जब नोट्स मिलेंगे तो ये आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब समझ में आएगा, ठीक है। हैंगमैन लिखेंगे एलबीएस, और यहाँ पे लिखेंगे बुलिश रिवर्सल, और इसमें लिखेंगे हम ट्रेंड प्राइस एक्शन, तो ये बुलिश रिवर्सल हो रहा है, ट्रेंड क्या लिखेंगे बुलिश टू बेरिश, बेरिश। अब ये डेस्टिनेशन है, ये तो डेस्टिनेशन है, बेरिश उसका डेस्टिनेशन बनेगा अभी, मगर ये इसका पहले क्या है, ये पहला क्या रहेगा, अराइवल और डिपार्चर होता है ना, ऐसे ही कुछ है, अराइवल और डिपार्चर की तरह कुछ है ऐसे, तो ट्रेंड जो पहले था बुलिश, फिर वो बाद में जाके बनेगा बेरिश। सर हैंगमैन तो ऊपर फॉर्म होगा ना एचआरटी पे, हैंगमैन एचआरटी पे होगा, तो ये हैंगमैन एलबीएस क्यों लिखा आपने? मुझे वही तो समझना था कि मतलब आप लोग जो लिख रहे हो सही लग रहे, लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, तूने एचआरटी लिखा है। दो ही लोग है तो दोनों में मुझे भी देखना पड़ता है कि भाई दोनों भी जगह पे खड़े हैं, या तो फिर मतलब आप पे जाने के चक्कर में हो, या तो फिर इसका दुकान सोने का है, तो फिर सोने की दुकान पे यार तो मिला क्या है क्या है, तो ये समझना पड़ता है, तो बीच बीच में गलत लिखना पड़ता है। नहीं, तो 5 दिन में मैंने कहीं गलत लिखा है, नहीं सर वो तो देख रहा हूँ, तो मुझे देखना पड़ता है ना कि मतलब गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, कितना मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, ठीक है। मैं अभी इसको इसको एंड कर रहा हूँ इसको मैं, और नया शुरू कर देता हूँ, तो अगले 10 मिनट मुझे 10-15 मिनट मुझे आपको जो दिखाने जो जो कैंडल्स वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। मगर अरे सर एक खाली था सर, संडे ना, संडे तो एक्चुअली संडे मेरा मोस्टली बाहर रहता है, मेरा संडे का लेक्चर थोड़ा संडे को लेक्चर से नहीं है, संडे को लेक्चर नहीं होता ही है। नहीं अच्छा ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है वो इसलिए मैं मतलब पूछ लेता आपको, चलेगा चलेगा। कल क्या, कल फ्राइडे सैटरडे है, कल छुट्टी है क्या? हाँ नहीं हाँ कल मैं अवेलेबल, कल तो एक्चुअल लेक्चर चलेगा सर, तो हम लोग कल अगर टाइम मिलता है तो उदय बढ़ाएगा,
तो हम लोग सी होता क्या है कि अगर आप लोग जल्दी सीखना चाहते हो तो मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। सैटरडे संडे मेरे पास भी टाइम होता है, मगर संडे मेरा प्रैक्टिकल ज्यादा लेता रहता है, क्योंकि हाँ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको जो तो प्रॉब्लम्स जल्दी नहीं, रहती आराम से सिखाओ। मैं बहुत एकदम स्लो लर्नर, मतलब मैं 2 घंटे से ज्यादा कुछ भी कर, मतलब फिर वो है। नहीं, ओवरडोज हो मगर जाता है। अगर सुबह 2 घंटा लेंगे चलेगा फिर, और शाम सुबह को कितने बजे सर? 2 घंटा तो संडे रिकवर हो जाएगा हमारा। सुबह की कभी सर लेंगे? सुबह कब? सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। नहीं सर, एक्चुअली ऑफिस होता है ना 10 बजे से, ऐसा अच्छा, प्रॉब्लम है। हाँ ऑफिस में हो क्या आप अभी? हाँ 10 से मेरा क्या है, 10 से 7 बजे तक ऑफिस है, तो 7 to 9 में फ्री रहता हूँ।